हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंटली जो काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन हादसा हुआ वो किस तरह से हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों, तो बेसिकली काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों का हेड ऑन कॉलिजन हो गया। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब होता है दोनों ट्रेन्स के जो इंजन है वो आमने सामने आ गए और कोलाइड कर गए। दोस्तों, तो रेलवेज की भाषा में ये सबसे डेंजरस और सबसे अनसेफ कॉलिजन होता है। दोस्तों, तो ये जो लोको पायलट है, एक MMTS चलती है दोस्तों वहाँ पे, तो 47178 MMTS, और एक ट्रेन है 17028 सिकंदराबाद हुंडरी एक्सप्रेस। तो ये दोनों ट्रेनें जो हैं काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर हेड ऑन कॉलिजन हो गया इन दोनों ट्रेनों का। तो बेसिकली आज इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से हुआ और रेलवे ऐसे एक्सीडेंट्स को कैसे सेव कर सकती थी, कैसे बचा सकती थी। दोस्तों, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, हम इस कोलिजन से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है एक छोटा सा काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन का लेआउट जहाँ पे बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लेआउट के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली जो MMTS जो लोकल ट्रेन थी ये लाइन नंबर 2 पे आती है दोस्तों, और इसको और आगे जाना था। स्टार्टर सिग्नल अगर मिलता है इसको तो स्टार्टर सिग्नल के अकॉर्डिंग उसको आगे जाना था। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी ट्रेन है दोस्तों 17028 सिकंदराबाद हुंडरी एक्सप्रेस, वो बेसिकली अप लाइन पे होम सिग्नल के पीछे खड़ी थी। तो एक तरह से देखा जाए तो MMTS लाइन नंबर 2 पे खड़ी है और 17028 जो है होम सिग्नल के पीछे अप लाइन पे खड़ी है। दोस्तों, अब ट्रेन नंबर 17028 को अप लाइन से लाइन नंबर 4 पे ले जाना है, इसीलिए होम सिग्नल जो है स्टेशन मास्टर द्वारा दिया जाता है फॉर मूवमेंट फ्रॉम अप लाइन टू लाइन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट जो है अप लाइन से इस तरह से होते हुए लाइन नंबर 4 पे जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो ड्राइवर है 17028 का, वो स्टार्ट होता है और वो मूव करने लगता है टुवर्ड्स लाइन नंबर 4। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि MMTS का जो ड्राइवर है, जो स्टार्टर उसको रेड दिख रहा है, स्टार्टर अभी एक्चुअली स्टार्टर नहीं दिया हुआ है लाइन नंबर 2 से मूवमेंट के लिए, लेकिन फिर भी MMTS का ड्राइवर स्टार्ट हो जाता है और वो मूव करने लगता है। दोस्तों, तो यहीं पे एक्चुअली रेड सिग्नल को क्रॉस किया जाता है लोको पायलट ऑफ MMTS द्वारा, और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट हेड ऑन कॉलिजन होता है। दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी मानवीय भूल थी लोको पायलट ऑफ MMTS द्वारा, जो कि इतने बड़े डिजास्टर को अंजाम दिया। दोस्तों ऐसा लगता है कि MMTS का ड्राइवर ही वॉज़ नॉट इन हिज सेंसेस, और इस तरह से उसने इतनी बड़ी मानवीय भूल कर दी। इसको रेलवे की भाषा में स्पैड बोलते हैं, दैट इज़ सिग्नल पासिंग एट डेंजर, मतलब सिग्नल यहाँ लाल था फिर भी ड्राइवर लोको पायलट ऑफ MMTS पास्ड इट एट रेड पोजीशन। तो ये बेसिकली पूरा एक्सीडेंट इस तरह से हुआ। दोस्तों, इसको अवॉइड करने के लिए रेलवे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ला रही है, जैसे कि टिकास होता है दोस्तों रेलवेज में, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसको यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य हिट करें, ताकि रेलवे से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।